Hello students, I welcome you in online classes. I hope you are quite well. Now we will start our chapter 3rd, lecture 2. Lecture 2 करेंगे आज हमने एक lecture हम इस chapter का पढ़ चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि fiber, what is fiber and what are the type of fiber. ठीक है, फाइबर वी हैव लर्नड अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर. हमने टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ लिया जिसमें दो टाइप बताई थी. फर्स्ट इज नेचुरली दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर दैट इज मेड बाई मैन बाय द यूजिंग ऑफ केमिकल. क्लियर. तो फाइबर के एग्जाम्पल में बहुत सारे हैं, कॉटन, जूट, सिल्क. सिल्क हो गया आपका, कॉटन हो गया, जूट हो गया और आपका वूल हो गया. और आपको मैं बता दूं कि सिल्क फाइबर इज ड्रान फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि सिल्क फाइबर के लिए हमसे सिल्क वर्म की का पालन करना पड़ेगा और उसके कोकून से आपका जो है सिल्क फाइबर बनाया जाता है. और हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था कि पहले टाइम में मनुष्य किस प्रकार के कपड़े पहनता था. आज हम कुछ फाइबर के बारे में ही डिस्कस करेंगे जिसमें से हम कुछ प्लांट फाइबर ले रहे हैं. तो फर्स्ट हमारा जो प्लांट फाइबर है वो हमने लिया है कॉटन. एवरीवन इज सीन बाय यू, कॉटन आपके सभी के द्वारा देखा गया है. कॉटन क्या होता है? कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन इन द फील्ड्स, कि कॉटन जो प्लांट्स है वो आपका फील्ड्स में उगाया जाता है. और कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेस हैविंग ब्लैक सोयल, ये लगभग उन स्थानों पर उगाया जाता है जहाँ पर काली मिट्टी होती है एंड वार्म क्लाइमेट, यानी कि मौसम गर्म होता है, यानी कि अप्रैल मई में इसको उगाया जाता है. जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में जो अब चल रहा है मौसम, उस मौसम में आपका जो है वो कॉटन ग्रो किया जाएगा. अब बात आती है कि कॉटन कैसा दिखाई देता है, कॉटन की शेप कैसी होती है, कॉटन की उनका कलर कैसा होता है. तो जो फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट, जो कॉटन प्लांट का फ्रूट होता है उसे हम नाम देंगे कॉटन बॉल्स का. किसका नाम देंगे? कॉटन बॉल्स का. जो किसकी तरह दिखाई देता है? विच लुक्स लाइक अबाउट द साइज ऑफ ए लेमन, जो एक नींबू के साइज के आकार का दिखाई देता है. यानी कि फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट को क्या कहेंगे? कॉटन बॉल्स. अगला है आफ्टर मैच्योरिंग, जब पौधा बड़ा हो जाता है द बॉल्स ब्रस्ट ओपन, वो बॉल्स क्या होती है? ब्रस्ट हो जाती है और खुल जाती है. एंड द सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और जो बीज कॉटन फाइबर से कवर्ड हुआ है वो आपको दिखाई देने लगता है. कब? जब पौधे को जितना बढ़ना होता है, जब वो बढ़ जाता है इनकी, वो मैच्योर हो जाता है, तो बॉल ब्रस्ट, वो खुल जाती है बॉल, जिसे हमने फ्रूट ऑफ कॉटन फाइबर कहा था, उसका फ्रूट का क्या नाम है? कॉटन बॉल्स. एंड सीड कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन, और आपको जो कॉटन फाइबर से कवर्ड हुआ है जो सीड, वो आपको दिखाई देने लगता है. नेक्स्ट है रेडी कॉटन फील्ड लुक्स लाइक ए फील्ड कवर्ड विद स्नो, जो आपकी कॉटन तैयार हो चुकी है वो किस तरह दिखाई देती है? जैसे कि एक बर्फ के द्वारा किसी फील्ड को कवर्ड किया गया हो, यानी कि व्हाइट व्हाइट सा दिखाई देने लगता है. और व्हाइट ही आपकी क्या होती है? स्नो, बर्फ होती है. कॉटन का जो हिंदी वर्जन है वो क्या होगा? कपास. अब क्या करेंगे? फ्रॉम दीज बॉल्स, इन बॉल्स से हम क्या करेंगे? कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, हम कॉटन को कैसे कलेक्ट करेंगे? बाय हैंड से. आफ्टर दिस फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स बाय कॉम्बिंग, जब हम उसको कलेक्ट कर लेंगे तो फाइबर क्या करेंगे? फाइबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, फाइबर जो है ऊपर का जो रेशा है उसको हम सीड से अलग करेंगे बाय कॉम्बिंग प्रोसेस. यानी कि इस प्रोसेस में कॉम्ब टाइप की एक ब्रश होती है वो यूज की जाती है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉम्बिंग. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन, और किसके द्वारा की जाती है? कॉम्बिंग, यानी कि इसमें ब्रशेज वगैरह का यूज किया जाता है, यानी कि जो फाइबर होता है उसको स्ट्रेट किया जाता है और पैरलाइज किया जाता है. ठीक है, यानी कि पैरलल, स्ट्रेट का मतलब फाइबर को स्ट्रेट करना, सीधा करना. ठीक है,
आर यू गेटिंग? ओके, गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, यानी कि गिनिंग को हम हैंड से भी कर सकते हैं। और आजकल तो पता है आपको बेटा मशीनें आ चुकी हैं हर चीज की। नाउ दीज डेज मशीन आर आल्सो यूज्ड फॉर गिनिंग, आजकल जो है वो मशीनें भी यूज हो रही हैं किसके लिए, गिनिंग प्रोसेस के लिए। गिनिंग प्रोसेस क्या बताया मैंने कि फाइबर को और सीड को अलग करना आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, गिनिंग। क्या कहलाता है? गिनिंग। यानी कि कॉटन इज शोन इन मे, कॉटन को मैंने अभी अभी बताया कि कॉटन को वार्म क्लाइमेट में और ब्लैक सॉइल में बोया जाता है, जो हमारे यहाँ का जो अब का इन्वायरमेंट है जो आपका वो सुटेबल है फॉर द सोइंग ऑफ कॉटन, कि यानी कि वार्म क्लाइमेट में अच्छा पनपता है। और कॉटन से हम क्या करते हैं, कॉटन हमारे यहाँ भी बोया जाता है, तो आप कॉटन के बारे में इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके बेटा, कर सकते हैं ना, समझ में आया? कॉटन के बारे में चार पांच पॉइंट बताए हैं मैंने कि ये ब्लैक सॉइल में बोया जाता है और क्या है आपका वार्म क्लाइमेट होना चाहिए। और इसके फ्रूट का जो नाम है वो कॉटन बोल है। और कॉटन बोल क्या है, यानी ये जो हमारी कपास जो कॉटन है का जो प्लांट है जो मैच्योर हो जाता है, तो उसका जो फील्ड है वो किसकी तरह दिखाई देता है, लाइक ए स्नो, यानी जैसे कि किसी फील्ड को स्नो के द्वारा कवर्ड कर दिया गया हो। अब नेक्स्ट की बात करें कि जूट, जूट फाइबर क्या होता है, जूट भी क्या है, जूट भी फील्ड्स में उगाया जाता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट, यानी कि ये स्टेम से मिलता है, किसके, जूट प्लांट के स्टेम से हमें क्या मिलता है, जूट फाइबर। क्या मिलता है? जूट फाइबर। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये कब कब बोया जाता है, बरसात के सीजन में। कब बोया जाता है बेटा, बरसात के सीजन में। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम, इंडिया में जो जूट है वो कौन कौन से स्टेट में उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल बिहार एंड असम, इन सभी में उगाया जाता है। अब बात आती है कि जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेट, कि जूट के प्लांट को कब काटा जाता है, जब इसके फूल आ जाते हैं, यानी कि ये फ्लोरिंग स्टेज में होता है जब इसको काटा जाता है, ठीक है। और इसमें किसका यूज किया जाता है, जूट के प्लांट के विच पार्ट, स्टेम इज यूज्ड, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, स्टेम। दिस स्टेम्प ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर, इसको किसमें किसमें किया जाता है, फिर हार्वेस्ट करने के बाद, कटाई करने के बाद इसको वाटर में डाला जाता है फॉर ए फ्यू डेज, किसके लिए, फ्यू डेज के लिए, कुछ दिनों के लिए उसको पानी में डाल दिया जाता है। दिस स्टेम रूट रोट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड, स्टेम रोट और फाइबर को सेपरेटेड हम सिंपली करते हैं किसके द्वारा, बाय हैंड्स के द्वारा, क्लियर हो गया। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, आज हमने दो फाइबर के बारे में पढ़ा जो कि आपके प्लांट फाइबर हैं। फर्स्टली हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, सेकेंडली हमने जूट के बारे में पढ़ा, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको इसको इससे रिलेटेड वर्कबुक में एक्सरसाइज करने को कहा था, यानी कि कुछ MCQs और मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं आपकी वर्कबुक में, उनका आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था मैंने, आज हम उनको फिल करके देंगे और उससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको होमवर्क के रूप में करनी है, ठीक है। बी हैप्पी, थैंक यू।